नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां एक फाइनेंस कंपनी से अपराधियों ने बड़ी लूटपाट करते हुए तकरीबन 10 करोड़ के गहनों की लूट की थी। सूत्रों के हवाले से अब यह खबर आ रही है कि घटना के कुछ घंटों के बाद सिर्फ पुलिस ने लूट के गहने बरामद नहीं किए, बल्कि लूट में शामिल अपराधियों को भी धर दबोचा है। जानकारी ये भी आ रही है कि इस पूरे मामले में आज बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे कि कैसे महज कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने लूट के इतने बड़े मामले को सुलझा लिया। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चेक स्थित मुथूट फाइनेंस के ब्रांच से बुधवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने 10 करोड़ के स्वर्ण आभूषण व 2 लाख रुपए लूट लिए थे। अपराधियों ने पिस्तौल की बट से मारकर ब्रांच मैनेजर विनय कुमार सिंह को जख्मी कर दिया था। 6 अपराधियों ने 7 फरवरी की दोपहर करीब 12:15 बजे वारदात को अंजाम दिया। उत्तर बिहार में अब तक की ये सबसे बड़ी लूट बताई जा रही थी। अपराधियों के चेहरे खुले हुए थे। बताया जाता है कि हथियार के बल पर अपराधियों ने दोनों गार्ड व 3 कर्मियों को कमरे में बंद कर दिया था। सबके मोबाइल फोन छीन लिए थे। मैनेजर को धमकाते हुए सेफ खुलवाया और 5 बैग में सोना व कैश भरकर चलते बने। 15 मिनट में लूट को अंजाम देने के बाद 3 अपराधी पैदल और 3 बाइक से फरार हो गए थे। बहरहाल घटना के रहस्य से पूरी तरह पर्दा तभी खुलेगा जब इस घटना से जुड़ी सभी जानकारी मीडिया के सामने साझा करेगी। पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित किया है कि वाकई पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधियों की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे, पढ़ते रहे सिटीपोस्टलाइव.com। नमस्कार।